हेलो दोस्तों, चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलैटरल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने मध्य बिंदु प्रमेय यानी मिड पॉइंट थ्योरम से संबंधित कुछ प्रश्न हल किए। आज हम उसी से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको याद होगा हमने पिछले वीडियो में सिद्ध किया था कि किसी भी चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाला चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तो क्या समलंब चतुर्भुज, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, इन सभी चतुर्भुजों के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाला चतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज होगा? चलिए हम इसकी जांच कर लेते हैं। दोस्तों, इस समलंब चतुर्भुज एबीसीडी को देखिए। क्या इसकी भी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बना यह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा? यदि चतुर्भुज एबीसीडी में विकर्ण एसी बनाए तो हमें दो त्रिभुज मिलेंगे, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एडीसी। दोस्तों, त्रिभुज एबीसी में बिंदु आर और बिंदु एस क्रमशः भुजा एबी और भुजा बीसी के मध्य बिंदु हैं। यदि हम इसमें मध्य बिंदु प्रमेय का उपयोग करें तो रेखाखंड आरएस भुजा एसी के समांतर और लंबाई में एसी की आधी होगी। इसी प्रकार हम त्रिभुज एडीसी में भी मध्य बिंदु प्रमेय का उपयोग कर यह कह सकते हैं कि टी क्यू भी भुजा एसी के समांतर और लंबाई में एसी की आधी है। दोस्तों, समीकरण एक और दो को देखिए। अब हम कह सकते हैं कि आर एस टी क्यू के समांतर और बराबर है, और हम जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज की सम्मुख भुजा का एक युग्म समांतर और बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। इसलिए आर एस क्यू टी एक समांतर चतुर्भुज है। दोस्तों, दूसरा चतुर्भुज डी ई एफ जी एक वर्ग है। क्या इसके भी मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बना चतुर्भुज एल एम एन ओ एक समांतर चतुर्भुज होगा? जी हाँ, इसमें भी हम विकर्ण डी एफ बनाकर दो त्रिभुज डी ई एफ और डी जी एफ प्राप्त कर सकते हैं। आप विकर्ण जी ई भी बना सकते हैं, और इन दोनों त्रिभुजों में मध्य बिंदु प्रमेय का उपयोग कर हम कह सकते हैं कि एल एम ओ एन के समांतर है और बराबर है। इसलिए चतुर्भुज एल एम एन ओ एक समांतर चतुर्भुज होगा। दोस्तों, इस चतुर्भुज को ध्यान से देखिए, क्या यह एक वर्ग होगा? वीडियो पॉज कर स्केल और चांदे की सहायता से आप इसकी भुजाओं और कोणों का माप ज्ञात कीजिए। आप पाएंगे कि यह भी एक वर्ग है। इसी प्रकार आयत और सम चतुर्भुज के लिए आप स्वयं प्रयास करें और अपने सहपाठियों और शिक्षक की सहायता से आप निष्कर्ष पर पहुंचे। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। दी गई आकृति में चतुर्भुज एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें बिंदु ई और बिंदु एफ क्रमशः भुजा बीसी और डीसी के मध्य बिंदु हैं, और बिंदु जी विकर्ण एसी का मध्य बिंदु है। दी गई जानकारी के आधार पर बताइए कि कौन से विकल्प सही है। दोस्तों, आइए पहले विकल्प की जांच करते हैं। आकृति में त्रिभुज एसीबी को देखिए। बिंदु ई और बिंदु जी क्रमशः भुजा बीसी और एसी के मध्य बिंदु हैं। इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार जीई भुजा एबी के समांतर और उसकी लंबाई की आधी होगी। यानी हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा पहला विकल्प सही है। अब हम दूसरा विकल्प देखते हैं। हमें दिया है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए भुजा एडी और बीसी बराबर होंगी, और बिंदु ई भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, इसलिए बीई बराबर होगी ईसी के। हम बीसी को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, हम बीई के स्थान पर ईसी रख सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमें AD बराबर 2EC प्राप्त हुआ, यानी दूसरा विकल्प भी सही है। अब तीसरा विकल्प देखते हैं। दोस्तों, यह काफी आसान है। वीडियो पॉज कर आप स्वयं ही इसकी जांच करें। हमें दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, परंतु यह दोनों आसन्न भुजाएं यानी एडजेसेंट साइड्स हैं। अगर यह बराबर होती
तो चतुर्भुज एबीसीडी एक समचतुर्भुज होता जो हमें नहीं दिया है, इसलिए यह विकल्प गलत है। दोस्तों, आज के सत्र में बस इतना ही। आज हमने मध्य बिंदु प्रमेय यानी मिड पॉइंट थ्योरम से संबंधित तथ्यों पर चर्चा की। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।